कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं, अगर मनुष्य लक्ष्य बना ले तो सफलता अवश्य हासिल होती है। ऐसा ही कर दिखाया है साइबर क्राइम थाना गोरखपुर में कार्यरत आरक्षी मुकेश खरवार ने। मुकेश ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के PCS 2020 का परिणाम में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर सफलता हासिल की है। सिपाही मुकेश खरवार मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले और वर्तमान में गोरखपुर में साइबर सेल में सिपाही के पद पर तैनात हैं। उन्हें PCS की परीक्षा से वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता का पद हासिल हुआ है। उनके चयन से उनके स्टाफ और साथियों में खुशी की लहर है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के अलावा गुरुजनों को दिया है। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मुकेश ने कहा कि सिपाही की नौकरी मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को देखते हुए उन्होंने PCS की परीक्षा की तैयारी की और उन्हें सफलता मिली है। अभी उन्हें आगे का लक्ष्य हासिल करना है। मुकेश की सफलता पर साइबर सेल के प्रभारी सूर्यभान सिंह ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए PCS में चयनित मुकेश खरवार और प्रभारी साइबर सेल सूर्यभान सिंह ने कहा, सर हम मूल निवासी गाजीपुर वाले हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं और शिक्षा दीक्षा हमारा ग्रेजुएशन जौनपुर से हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद किस तैयारी में लगे थे आप? ग्रेजुएशन के बाद 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में आ गए, फिर तब से हम निरंतर तैयारी में लगे हैं PCS के, और ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट था। PCS में आने का मन है किसके और आगे जाने का? अभी तो फिलहाल अब इसके बाद सर्वोच्च रैंक लेने का इरादा है PCS में। तो वर्दी मिली है आपको, सरकारी नौकरी मिली है, तब भी आपका लक्ष्य इतना बड़ा है, तो किससे प्रेरणा मिली आपको और क्या आगे और बनेगा? प्रेरणा स्रोत तो हमारे सब सहयोगी हैं, सर जी हैं, सभी लोग हैं जिससे हम प्रेरित हुए, और विभाग में देखते हैं सभी लोग आते हैं, SP क्राइम साहब, कप्तान साहब, तो और लगता है कि नहीं कि हमको भी अगर जनसेवा में जाना है तो कुछ ऊँचे पद पे जाके डायरेक्ट जनसेवा कर सकते हैं। तो अधिकारियों का मार्गदर्शन मिला आपको? जी जरूर, अधिकारी जो हैं आपके, मार्गदर्शन मिला श्री राहुल भाटी साहब का निर्देशन में, और सर यहाँ महंतपाल साहब, SP क्राइम साहब के निर्देशन में हमको मिला सब जानकारी, वो लोग बताया आपने। तो कब से आप ये PCS की परीक्षा दी है? PCS तो हमारा तीसरा अटेम्प्ट था, जब से हम भर्ती हुए हैं तब से निरंतर एग्जाम दिए हैं PCS, लेकिन ये तीसरे में पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू का फाइनल हुआ। तो कभी आप बहुत आशा नहीं लगी कि आप जो है इस तरह का बार बार? नहीं, इसमें हताशा की जो है निरंतरता बहुत जरूरी है, पढ़ाई में अगर रेगुलरिटी है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बार एग्जाम देते हैं वहाँ पास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो लोग क्या करना चाहेंगे? नहीं, इसमें हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर आप निरंतर प्रयासरत हैं और क्रमबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। पुलिस सर्विस में अभी तक कहाँ सर्विस किया? हम सबसे पहली पोस्टिंग तो हमारी जनपद इलाहाबाद में कोराव में हुई थी, थाना कोराव में, फिर वहाँ से 2019 अक्टूबर में हमारा ट्रांसफ़र हो गया और फिर हम गोरखपुर आए। गोरखपुर में बांसगांव थाना अंतर्गत कोड़ीराम चौकी पर भी रहे हैं, फिर कोड़ीराम चौकी से फिर साइबर थाने में हैं वर्तमान में। सर, आप एक स्टाफ हैं, उनको इससे सफलता मिली है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है हमारे थाने के लिए, गोरखपुर पुलिस विभाग के लिए। विगत 6-7 महीने से हम इस थाने पे हैं और हमारे यहाँ आरक्षी पद पर तैनात मुकेश खरवार बहुत ही सुशील, सज्जन, मेहनती, थाने पर रहकर भी पढ़ाई करते रहते थे, और PCS जो रिजल्ट अभी कल निकला है उसमें इनको डायट सीनियर प्रवक्ता के पद पर इनका चयन हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है, मैं इनके भविष्य की और भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।